मशीन कोयला को उठाएगा, उठाने के बाद बेल्ट में डालेगा और बेल्ट से आगे जाएगा। एक मशीन अभी चल रहा है, एक मशीन अभी रुका, अभी नीचे जा रहा है। दोनों मशीन दो दो प्रकार के कोयला को उठाता है। देखिए, एक मशीन उठा रहा है कोयला को और दूसरा मशीन चारकोल को उठा रहा है। एक मशीन लेके जा रहा है अपना दाहिने तरफ, और ये मशीन देखिए कहाँ लेके जाएगा। वो देखिए, वो मशीन जा रहा है, उसको आदमी चलाता है, ऊपर में बैठा रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। अभी हम आए हैं इलेक्ट्रो स्टील बेदंता में। हमारा गाड़ी यहीं से चलता है। इस कंपनी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी और इस कंपनी में छड़, रड, पानी का पाइप इत्यादि बनता है। तो आइए इस कंपनी का फुल वीडियो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी कोयला को जलाया जा रहा है, जिससे धुआं निकल रहा है। देखिए धुआं कितना देर लंबा निकलेगा। और 50% प्लांट का काम यहीं से होता है, क्योंकि कोयला, हड़कू, चारकोल और सब चीज़ यहीं से बेल्ट के थ्रू आगे जाता है। देख सकते हैं वहाँ पर भी एक चिमनी है जिसमें आग लहक रहा है, उसी चिमनी से आयरन को पिघलाया जाता है। और देखिए यहाँ जो धुआं निकल रहा है, ये कोयला का धुआं है। यहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है और कोयला को जलाया जाता है, इससे आग निकलता है। और ये जो दिख रहा है आपको बेल्ट, यही बेल्ट है। बेल्ट के थ्रू कोयला को आगे लेके जाया जाता है। देखिए अभी धुआं, ये देखिए दोस्तों, प्लांट का सबसे बड़ा चिमनी वहाँ पे है, जो अभी जला हुआ है, हल्का हल्का धुआं फेंक रहा है। और देखिए यही है प्लांट का फुल वीडियो। प्लांट तो बहुत बड़ा है, इसका वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हम हैं वहाँ तक आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यही है इलेक्ट्रो स्टील बेदंता का प्लांट। ये जो आपको दिख रहा है इधर है कोल फेस, यहाँ से कोयला को बेल्ट के थ्रू आगे पहुँचाया जाता है। बड़ा बड़ा सायरा है, अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये जो है ये हड़कूप कोयला है, जो कि बंगाल से, कलकत्ता से आता है, और इस हड़कूप कोयला से आग बनता है। यहाँ पर बहुत सारा हड़कूप कोयला भरा हुआ है, कम से कम 200 ट्रक हड़कूप कोयला होगा। देखिए दो दो पहाड़ हड़कूप कोयला का खड़ा है। आइए अभी आगे और दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, वो हड़कूप कोयला था, ये सिंपल कोयला है। कोयला का भी मात्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आइए कोयला को दिखाते हैं। देखिए पूरा कोयला भरा हुआ है इधर, और इधर देखिए इधर भी कोयला भरा हुआ है, वहाँ पे सब गाड़ी खड़ा है। और देखिए ये जो नज़र आ रहा है, ये प्लांट का सबसे मेन मशीन है, यहीं से कोयला को आगे भेजा जाता है और जलता है कोयला और आयरन को पिघलाता है। यहाँ से कोयला, चारकोल, हड़कूप और दो तीन प्रकार का कोयला को भेजा जाता है। देखिए यहीं पे कोयला डंप होता है और बेल्ट के थ्रू ऊपर जाता है, और ऊपर से सब जहाँ जहाँ भट्टा है वहीं पे ट्रांसफर होता है। यही मशीन कोयला को ढकेलता है। कोयला को ढकेलने के बाद कोयला बेल्ट के थ्रू आगे जाएगा, आगे सेहरा बना हुआ है, उसी सेहरा में कोयला गिरेगा, और कोयला गिरने के बाद बेल्ट के थ्रू उठाता है। देखिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वहाँ पे बेल्ट चल रहा है अभी, वो अभी जा रहा है, बायां की तरफ जा रहा है और कोयला उठाएगा। वो देखिए नीचे जा रहा है, नीचे गया है। नीचे जाने के बाद यहाँ से नहीं, आगे से आपको दिखा। ये देखिए दोस्तों, अभी वो कोयला को पंजा बिखेर करके पकड़ा हुआ है, जिसमें लाल बत्ती जल रहा है। किधर मशीन है, उधर मशीन, दोनों मशीन कोयला को उठाएगा, उठाने के बाद बेल्ट में डालेगा और बेल्ट से आगे जाएगा। एक मशीन अभी चल रहा है, एक मशीन अभी रुका, अभी नीचे जा रहा है। दोनों मशीन दो दो प्रकार के कोयला को उठाता है। देखिए एक मशीन उठा रहा है कोयला को और दूसरा मशीन चारकोल को उठा रहा है। एक मशीन लेके जा रहा है अपना दाहिने तरफ, और ये मशीन देखिए कहाँ लेके जाएगा। वो देखिए, वो मशीन जा रहा है, उसको आदमी चलाता है, ऊपर में बैठा रहता है बेल्ट के थ्रू। और जैसे ट्रेन चलता है, उसके थ्रू वो ऊपर में बैठा हुआ है, उसी से वो चलता है और सैरा में डालता है कोयला। और देखिए ये मशीन अभी पंजा बिखेरा हुआ है, ये भी पंजा टाइट करेगा और कोयला को उठाएगा। इसी प्रकार से कोयला को बेल्ट में डाला जाता है, और उसके बाद बेल्ट के थ्रू कोयला को आगे लेके जाया जाता है और भट्ठा के पास दिया जाता है।
देखिए अभी कोयला को उठा करके लेके जा रहा है, कोयला नहीं सॉरी चारकोल है, चारकोल को उठा के लेके जा रहा है। देखा जैसा कि आप सब देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर में आदमी भी काम करता है। वो देखिए अभी बेल्ट को दाहिने लेके जाता है या बाया लेके जाता है, देखते हैं। अभी बेल्ट को ये सीधा कर रहा है, इसी में डालेगा, यही भट्टा में डालेगा, छोटा वाला भट्टा है मतलब सहरा है, इसी यही सहरा में डालेगा। देखिए सहरा में डालता है कैसे, आपको दिखाते हैं वीडियो। देखिए वहाँ पे आदमी भी खड़ा है, जो पत्थर उत्थर फंस जाता है उसको वो निकालता है। देखिए बकेट लाया है और अभी बकेट को खोलेगा, अभी खुला नहीं, देखिए बकेट को खोल लिया और सारा चारकोल जल गया है छोटे से सहरा में। बकेट को वो पूरा खोल दिया है, उसके बाद गिर गया सारा, उसके बाद वो अगला प्रोसेस में लग जाएगा। तो आइए आपको फुल वीडियो दिखाते हैं प्लांट का, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उधर देख सकते हैं दोस्तों अभी ट्रक खाली हो रहा है जो कि कोयला का है, मशीन उधर लगा हुआ है, होंडिया का मशीन है और 12 चक्का ट्रक है, अभी खाली हो रहा है, कोयला है उसमें, घाटों का कोयला है। तो आइए आपको उधर का भी फुल वीडियो दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों उधर कोपलेन चल रहा है और इधर जेसीबी चल रहा है। कोपलेन और जेसीबी के थ्रू कोयला को बेल्ट में सप्लाई किया जाता है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग बेल्ट उधर चल रहा है और ये जेसीबी कोयला उठा उठा के उधर डालता है और पत्थर को साइड करता है। तो आइए अभी आपको और वीडियो में दिखाते हैं, अभी गाड़ी खाली हो रहा है उसका वीडियो दिखाते हैं। काम जितना भी होता है सारा यहीं से होता है, गैस का काम देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे गैस का सिलेंडर बना हुआ है, गैस का भी गाड़ी यहाँ पे आता है, गैस का जितना भी काम है कंपनी में सारा यहीं से होता है। तो वीडियो में बने रहे। फाइनली दोस्तों हमारा गाड़ी हो गया है खाली और अभी हम निकल चुके हैं बाहर काटा वाटा करा के। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए जय श्री महाकाल।